नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बीते 24 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके नया कीर्तिमान स्थापित किया था। हालांकि अभी तक चंद्रयान चांद पर लैंड नहीं हुआ है, लेकिन भारत के इस मिशन की धमक भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के लोगों की नज़र भारत पर टिकी हुई है। हालांकि इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब चंद्रयान पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा के ऑर्बिट की ओर बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र ने बताया कि यह चंद्रमा की ऑर्बिट में आएगा और इसके बाद यह सबसे इनर सरफेस में जाएगा, ऑर्बिट में जाएगा। लैंड होने में अभी इसको समय लगेगा, ये 23 अगस्त तक। अभी ये जो अर्थ का ऑर्बिट है उससे ऐसे ऐसे घूमता है, ये फायरिंग ऑर्बिट होते हैं 3-4, उससे निकल करके ये चंद्रमा के ऑर्बिट में चला जाएगा। फिर चंद्रमा के ऑर्बिट में एक बड़ा दायरा होगा, फिर छोटा दायरा, धीरे धीरे ये पास आएगा। फिर जो इनर से नजदीक का जो ऑर्बिट होगा, जब वो वहां पहुंचेगा लगभग पहले सप्ताह अगस्त तक, उसके बाद ये शिनाख्त करेगा कि एग्जैक्टली किस जगह पे इसको लैंड होना है, साउथ पोल के क्षेत्र में, और लगभग 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग। जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी से चंद्रमा की ओर पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 ने 5 बार ऑर्बिट को बदला है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो रास्ता है उसे हाईवे कहा जाता है। चंद्रयान की पैरोजी और एपोजी भी बदल गई है। अब चंद्रयान 71,351 किलोमीटर की एपोजी और 233 किलोमीटर की पैरोजी में चक्कर लगा रहा है। गौर हो कि 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम लैंडर रोवर से अलग होगा। मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर रोवर को चंद्रमा की कक्षा में डाला जाएगा। इसे ऑर्बिट में लाने के लिए चंद्रयान 3 की बूस्टिंग की जाएगी, मतलब कि इसकी गति कम की जाएगी। 23 अगस्त को लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। ऐसी जगह पर यह लैंडिंग का प्रयास कर रहा है जहां पर अभी तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश नहीं की है। दुनिया भर में 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का यह प्रयास सफल होता है तो दक्षिण ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 को दक्षिण ध्रुव के पास उतारा जा रहा है, ना कि दक्षिण ध्रुव पर। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के नज़दीक स्थित मैनजोनिस यूक्रेटर्स के पास चंद्रयान 3 को उतार सकता है। I am enjoying this.